अब देखिए, जैसा जैसे कि हम लोग अपना बुक किए थे सेमिनार का, ऑनलाइन फ्री ऑनलाइन वाला, तो फ्री ऑनलाइन वाला हम लोग बुक करने का तो बुक कर लिए, लेकिन अभी जैसे हम देख रहे हैं तो CBSE पटना वाला में तो वो तो अभी सारा सर्टिफिकेट डिसेबल किए हुए हैं, ठीक है ना। तो इसका मतलब हुआ जो अब हम लोग को, और उसका जो CBSE का पोर्टल खोल के जब देखिएगा तो वहाँ पर मैं दिया हुआ है जो अब आपको ऑफलाइन ही करना होगा। अब आप कह सकते हैं जो ऑनलाइन तब क्यों हो रहा है, तो ऑनलाइन हो रहा है जैसे कि भुवनेश्वर वाला, तो भुवनेश्वर वाला ऑनलाइन करा रहा है, गुवाहाटी वाला ऑनलाइन करा रहा है, चेन्नई वाला करा रहा है, ठीक है ना। लेकिन हम लोग गुवाहाटी या भुवनेश्वर के अंदर में नहीं आते हैं, हम लोग आते हैं आपको COE पटना के अंदर में। पटना वाला जब खोल करके देखिएगा तो पटना वाला में कहता है जो आपको ऑफलाइन ट्रेनिंग ही 25 घंटे का करना है, और इन हाउस वाला 25 घंटे का, ठीक है ना। तो जहाँ तक हमको मालूम है जो अब हम लोग को ऑफलाइन ही करना होगा 25 घंटे वाला, ठीक है, CBSE का। और इन हाउस जो जो DAV हम लोग को कराती है वो तो ठीक है, वो तो हो ही रहा है। अब ऑफलाइन वाला में आपको पेमेंट करना होगा, 700 रुपीज़ लगता है पर डे के हिसाब से। एक दिन का सर्टिफिकेट आपका 5 घंटे का होगा, ठीक है। तो कैसे करके रजिस्टर करेंगे वही आपको हम बता रहे हैं। तो अपना क्रोम खोलिए और यहाँ पर मैं हम लोग जाएंगे पटना पोर्टल CBSE ट्रेनिंग, इसको खोलेंगे और यहाँ पर मैं देखिएगा CBSE ट्रेनिंग पोर्टल है, देखिए यहाँ पर मैं ये वाला CBSE ट्रेनिंग पोर्टल, इसको हम लोग खोलेंगे। CBSE ट्रेनिंग पोर्टल को खोलेंगे तो ये स्क्रीन आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर मैं देख लीजिए, ये पटना जो दिख रहा है, गुवाहाटी, काकीनाडा, पंचकुला और पटना, पटना हम लोग का ग्रीन कलर में है, इसको हम लोग खोलेंगे, ठीक है। तो इसको हम लोग खोल लिए, जैसे ही इसको हम लोग खोलेंगे तब ये कहेगा प्रोग्राम कैटेगरी, ध्यान से देखिए यहीं पर में हम लोग को देखना है। तो इसमें हम लोग को ये फर्स्ट वाला जेनरिक CBP है और एक है सब्जेक्ट स्पेसिफिक CBP, ये दोनों में से कोई भी आप कर सकते हैं। जेनरिक CBP जो है वो जनरल टॉपिक पर में रहेगा, और सब्जेक्ट स्पेसिफिक CBP जो है वो है जिसमें आप जिस सब्जेक्ट के एक्सपर्ट हैं। मान लीजिए आप कंप्यूटर साइंस के हैं तो कंप्यूटर साइंस वाला कोई टॉपिक का हो रहा है तो उसमें करिए, आप कंप्यूटर साइंस के नहीं हैं, आप मैथमेटिक्स के हैं तो मैथमेटिक्स वाला में करिए। प्लस आपको ये भी देखना है जो आप रांची का ही कोई स्कूल का सिलेक्ट करिए, क्योंकि अगर आप रांची का सिलेक्ट नहीं करके कहीं बाहर का सिलेक्ट करते हैं तो इसका मतलब, मान लीजिए आप पटना सेलेक्ट कर लिए, आप रहते हैं रांची में, पटना सेलेक्ट कर लिए, तब तो आपको एक दिन जाने में, एक दिन आने में, एक दिन ट्रेनिंग करने में 3-3 दिन का छुट्टी लगेगा, तो उसमें आपको प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए बेटर है जहाँ के आप हैं, मान लीजिए आप रांची के हैं तो रांची सेलेक्ट करिए, आप दूसरे जगह के हैं तो उस सिटी का सेलेक्ट करिए। तो सपोज़ करिए हम जैसे जेनरिक CBP सेलेक्ट किए, ठीक है। तो जेनरिक CBP सेलेक्ट किए जिसमें आपको लोड हो रहा है, थोड़ा सा वेट करना होगा, ये देखिए जेनरिक CBP खुल गया, ठीक है। अब यहाँ पर मैं, आप देख लीजिए रजिस्टर, देखिए ये सारा खाली है, यहाँ देखिए रेट दिखा रहा है 700 रुपीज़ के हिसाब से लगेगा, टोटल नंबर ऑफ सीट है 60, वो अब 60 सीट्स है। जैसे ही इसका 60 सीट भर जाएगा तो ये रजिस्टर जो है वो डिसेबल हो जाएगा, ठीक है। तो अभी जैसे रजिस्टर इसका एक्टिव है, ब्लू कलर का आ रहा है, मतलब एक्टिव है, मतलब आप चाहें तो रजिस्टर कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन का डेट दिखा रहा है, कितने तारीख को होगा वो दिखा रहा है। मेन आपको यहाँ देखना है, देख लीजिए वेन्यू कहाँ है। अब जैसे ये चंपारण बिहार में है, टॉपिक ये है चंपारण बिहार है, तो अगर आपको चंपारण, रहते हैं आप रांची में, जाना है चंपारण, तो फिर आप तब रजिस्टर कर लीजिए, आ जाइए चंपारण, जाके करिए 700 रुपया, ठीक है।
तो हम लोग चूंकि अभी रांची से हैं तो हम लोग रांची का सेलेक्ट करेंगे। तो ये देखिए सारा बिहार है, झारखंड है, तो झारखंड में वेस्ट सिंहभूम है तो ये प्रॉब्लम हो जाएगा, ये ईस्ट सिंहभूम है ना, ये सारा देखिए बिहार 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 बिहार, झारखंड का देखिए ये भी गोमिया बोकारो है, ये भी नहीं कर पाएंगे। तो इस तरीके से अभी संभव नहीं है, ऐसा कोई नहीं दिख रहा है, ठीक है। ये सारा देखिए बाहर का ही दिखा रहा है, ये हम लोग का पॉसिबल नहीं है। खिजरी रांची देखिए सरला बिरला है, सरला बिरला में एडोलेसेंस एजुकेशन 2 डेज का है, तो 2 दिन का है, ये ध्यान से समझ लीजिए 2 दिन का है, इसका मतलब 700 रुपया है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है देख लीजिए, सीट्स फुल 700 रुपया है, तो ये दिमाग मत रखिएगा 2 दिन का है तो 700 रुपया लगेगा, 1 दिन का 700 रुपया है। ये देखिए हेडिंग में यहाँ दिखा रहा है पर डे, तो अगर 2 दिन का है तो आपको 1400 रुपया लगेगा। ये बढ़िया था अगर मान लीजिए हम लोग 2 दिन का बुक कर लेते तो हम लोग को 1400 रुपया लगता और हम लोग का 10 घंटा का हो जाता, ठीक है। तो इस तरीके से जो खाली है उसमें हम लोग कर सकते हैं। ये तो हुआ हम लोग का इसमें क्या बोलते हैं जेनरिक में, लेकिन सपोज़ करिए आप जेनरिक में नहीं करना चाहते हैं तो सब्जेक्ट स्पेसिफिक में भी आप जा सकते हैं। सब्जेक्ट स्पेसिफिक में जब हम जाएंगे तो यहाँ पर मैं आपका टॉपिक पर मैं, जैसे मान लीजिए आप हिस्ट्री के हैं, अकाउंटेंसी के हैं, बायोलॉजी के हैं, हिंदी इंग्लिश, ये देखिए अलग अलग सब्जेक्ट का ट्रेनिंग हो रहा है, फिजिक्स का हो रहा है, ठीक है ना, तो ये भी हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो अब फिर आपको यही देखना है रांची, अब देखिए इंग्लिश कोर का हो रहा है 2 दिन का है सुरेंद्रनाथ सेंटिनरी में, और ये 2 दिन का है मतलब 1400 रुपया लगेगा, 5 तारीख को है, प्रॉब्लम है, देखिए प्रॉब्लम भी नहीं है, रजिस्टर आप रजिस्टर करा सकते हैं, यहाँ पर में अभी जगह खाली है, ठीक है। अब जैसे पाइथन पर में है देखिए संतकरण, लेकिन ये बिहार में है, तो इस तरीके से हम लोग को यहाँ पर से कोई भी रजिस्टर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये रजिस्टर कर लिए और उसके बाद जैसे जो भी रजिस्टर करेंगे तो फिर वही आगे पूरा डिटेल आपसे मांगेगा, ऑनलाइन आपको पेमेंट करना है, फिर आप जा करके अपना फिर रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, ठीक है। तो हमको जहाँ तक लग रहा है अब हम लोग को इंतज़ार नहीं करना चाहिए, जो अभी ये ऑनलाइन हो रहा है ऑनलाइन में हम लोग कर लेंगे। हम लोग अभी जैसे हम ही नोट हो बुक किए हैं तो नोट हो बुक किए हैं तो ठीक ढंग से हो नहीं रहा है, और हमको थोड़ा सा डाउट हो रहा है जो हम लोग को वो सर्टिफिकेट देगा, ठीक है ना, क्योंकि ये पटना के अंदर में हम लोग आते हैं और पटना वाले को जहाँ तक हमको मालूम है ये पूरा आपको ऑफलाइन ही करना होगा, तो हम लोग को रिस्क नहीं लेना चाहिए और बुक करना अब स्टार्ट करना चाहिए, और कोई ऑप्शन हम लोग को दिख नहीं रहा है। वैसे आप लोग सजेस्ट करिए क्या करना चाहिए, ठीक है। गुड नाइट।